मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो गाइज, आज का दिन कुछ इस तरह का है कि मुश्तबा जा चुके हैं और मैंने कितने दिनों से जो है ना व्लॉग नहीं लगाया, नहीं बनाया। उसकी वजह यह है कि मैं कुछ बहुत ज़्यादा बिजी थी। मैंने एक और चैनल बनाया, उस पर मैं बिजी थी थोड़ा, तो वो भी जल्द आप लोगों को पता चलेगा। सरप्राइज है आप लोगों के लिए। आप लोग बस मेरे लिए दुआ करना कि सब अच्छा अच्छा हो जाए और मुझे इस पर सपोर्ट करें आप लोग बहुत ज़्यादा। प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा करें। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक भी करा करें और कमेंट ज़रूर करा करें कि मुझे कैसी लग रही है आप लोगों को मेरी वीडियो। ये मुझे तंग कर रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा। क्या हुआ है, क्या मसला है, क्यों रो रहे हो हैं? ये क्या बदतमीजी है, फिर मैं मारूँ ना, फिर सही सीधे हो जाओगे। मसला क्या है, क्यों रो रहे हो? नाक में दम कर रखा तू, क्यों दिमाग खराब, क्या हुआ है, हैं? बहुत बदतमीज होता जा रहा है भाई, ये बस मार खाने वाला है बस। अब ये थोड़े दिनों में ना मार पड़ने वाली है। यहाँ नाज़नीन भी मेरे पास बैठी हुई है, ये भी रो रही थी। फिर मैंने गोद में लेके मैंने कहा चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, काफी दिन हो गए ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया, ब्लॉग बनाया नहीं है मैंने। हम तक चुप हो जाओ, अब समझ आ रही है क्या मसला क्या है, क्या हुआ है, हुआ क्या है, मुझे बताओ तो सही। बस आमी छोर चिल्ला बन आमी फजूली, क्या मसला क्या है, क्यों रो रहे हो, क्यों तंग कर रहे हो, मेरी क्यों जान खाई हुई है, क्या मसला है? बाइल दो, बाइल दे, रोने गए इसके बस, फजूल बाइल देते रहो सारा दिन। वो देखो लाइट खोल के बिठाया हुआ है, वो देखो सारी लाइट खोली हुई है। एमी तंग करता रहता है सारा दिन, यहाँ काम भी पड़े हुए मेरे सारे, ऐसे काम भी नहीं किए। आज मेरा थोड़ा मूड ही खराब है, मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। हस्बैंड की वजह से मेरा मूड खराब हुआ है, मूड। और यहाँ बच्चों ने भी ज्यादा ही दिमाग खराब किया हुआ है। गाइस आप लोग कमेंट्स में एक बात जरूर बताना, कहना मैं मेरा मतलब शौक है व्लॉगिंग करना, वीडियोस बनाना, ये सब चीजें करना मेरा शौक है। मैं शादी से पहले करती थी लेकिन मैं मतलब प्राइवेट रखती थी हर चीज। हमने चुप हो जाइए, अब मोबाइल नहीं मिलेगा, समझ आइए। आपको पता है मैं मोबाइल दूंगी आपको तो मम्मा गायब हो जाएगी, फिर नजर भी नहीं आएगी। मैं ढूंढूंगा। हाँ कैसे ढूंढूंगी मैं, देखा उस दिन मोबाइल दिया था ना, मुझे नजर नहीं आ रहे थे आप। चुप करो, दे दो ना। मैं दूंगी फिर, मेरे को नजर ही नहीं आओगे आप, मैं क्या करूं फिर, दे दो। अल्लाह बाबा डांटेगा आके। एक यहाँ ये मैडम मेरे चिपकी हुई, क्या हो गया जानू, को हो गया मेरी बेटी को, कहाँ चाहिए, देती हूँ रुक जाओ। तो गाइस मैं बता रही थी आप लोगों को कहना मैं मतलब मेरा शो के ही वीडियोस वगैरह बनाना, लेकिन मैं ना मुश्तबा को बोलती हूँ कि मेरे साथ थोड़ा वीडियो बनाएं या इस तरह की कोई चीज़ करें, या बस आप मोबाइल ही पकड़ लें, क्योंकि मैं मोबाइल कहाँ रख के कोई वीडियो वगैरह बनाऊँ। मेरा मतलब बहुत दिल करता है कि मैं ना वो वाली वीडियोज़ बनाऊँ जो आप लोगों को पसंद आए, आप लोगों को अच्छी लगें, मतलब फ़न वाली वीडियोज़ वगैरह ना। क्योंकि ब्लॉगिंग में कब तक आप लोगों को सिर्फ दो कमरे एक किचन ही दिखाती रहूँगी, उसके अलावा क्या दिखाऊँगी। तो मैं नीचे भी नहीं जाती, नीचे कैसे जाऊँ, दो बच्चे हैं उनको लेकर, मैं थक जाती हूँ, फिर ऊपर सीढ़ियाँ चौथे फ्लोर पर चढ़ना अजाब हो जाती हैं। तो गाइज आप लोग प्लीज़ कमेंट करना कि मुश्तबा मेरे साथ वीडियोस बनाएं, तो फिर मैं उनको दिखाऊंगी, तो वो मेरे साथ ज़रूर बनाएंगे फिर। प्लीज़ 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 कमेंट करना आप लोग प्लीज़ यार। आपको क्या हो गया, भूख लग रही है? चलें गाइज अब बच्चों को थोड़ा संभालती हूँ, इनको ज़रा चुप कराती हूँ, और उसके बाद सारे घर के काम वगैरह, ये देखें सब कुछ ऐसे ही फैला हुआ है मेरा घर पूरा, वो समेटती हूँ सारा कुछ, फिर उसके बाद जो है ना आप लोगों से दोबारा ज्वाइन होते हैं। फिर ना मैं तैयार हो रही थी दूसरे ना वो उसके लिए चैनल के लिए ना, हल्का सा बस लिपस्टिक लगा के, इधर भी लिपस्टिक ब्लशर भी लिपस्टिक से करके ना तो रेडी हो रही थी। यहाँ पर ये कितनी जोरों से चीखें मारी थी। जी क्या हो गया आपको, ये देखिएगा, मैं ना भी थोड़ा सा यहाँ पर जाऊँगी ना, फिर करेंगे चीखें मारी थी, देखिएगा आपको। ये देखिए जी क्या चाहिए, मम्मा चाहिए, हैं क्या हुआ जी जान, मुझे भूख लग रही है। अभी तो आपको मैंने नाश्ता कराया था ना, अब क्या ऑरेंज जूस बना के दो जी, ऑरेंज जूस पीना मेरे बेटे ना, ठीक है जी। क्या चाहिए आपको, हैं
तो गाइज मैंने ना सारी सफाइयाँ वो कर ली हैं अपनी, ना घर को साफ सुथरा कर लिया था, तो मैंने कहा खुद भी ज़रा रेडी शेडी हो जाऊँ थोड़ा सा और फिर ना वीडियो बनाती हूँ। जी क्या डाला मुँह में? ओपन योर माउथ, ओपन योर माउथ। आज क्या है? कुछ भी नहीं। अच्छा तो यहाँ पे मैंने कंबल धूप में डाला है क्योंकि ना रोज़ाना लेते हैं तो पसीना वगैरह बच्चों को भी आ जाता है थोड़ा, तो इस वजह से ना। तो यहाँ मैंने कपड़े धो के रखे थे मुश्तबा के, यहाँ गद्दी पे रखे थे, इन्होंने देखे क्या हशर कर दिया। अब इनको भी तेल लगाना है गाइस हमने, फिर उसके बाद जो है ना फिर मैं बनाऊँगी अपनी दूसरे चैनल के लिए वीडियोस, तो वो भी मैं आप लोगों को चैनल बताऊँगी उसका भी आप लोगों को, लेकिन थोड़े टाइम बाद। तो मैं चाहती हूँ उस पर जो है ना मेरे सब्सक्राइबर खुद ब खुद जनरेट हों, तो फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊं, क्योंकि मुझे पता है इसमें मेरे ज़्यादातर फैमिली मेम्बर्स हैं जो देखते हैं मुझे, तो मैं नहीं चाहती कि उसको मेरे फैमिली मेम्बर सब्सक्राइब करें, तो जिस वजह से जो है ना मैं चाहती हूँ पहले वो पब्लिकली थोड़ा सा प्रमोट हो, उसके बाद मैं आप लोगों को भी बताऊँगी, तो आप लोग भी देखना। यहाँ ये रो रही है कि मुझे दे दो, मुझे पकड़ लो। आपको पकड़ लूँ मैं, काम नहीं करूँ मैं। भाई को जूस पीना है, आपको पीना है जूस? निकलने की करती है कि बस मुझे इधर से निकाल दो और फिर मैं सारे इधर उधर मारती फिरूँ। कल भी गिरी है गाइस इतना बुरा, यहाँ पे नील पड़ा हुआ है नाक पे, ये देखें रेड रेड हुआ हुआ है नाक भी, इसका मैं दिखाती हूँ ये देखें। हाँ क्या हो गया, क्या चाहिए? अच्छा खिलौने भी सब कुछ रख के दिया है लेकिन ना खेलना नहीं है मैडम ने, बस निकाल दो बाहर। ये देखो सबको जब के दिया था ना मैंने आपको, ये से खेलो आप, जब नहीं खेलना ना बाहर फेंक देती है, ये देखें ऐसा ऐसा करके ना बाहर फेंक देगी, ये देखें कि मुझे बाहर निकालो। बहुत स्मार्ट पड़ी है मेरी गाइस, बहुत बहुत ज़्यादा मेरी स्मार्ट हो गई है, बड़ी ज़्यादा स्मार्ट हो गई है। आपको भी ब्लॉगिंग करनी है? भैया कहाँ हैं? चलाओ भैया को ढूंढो, जाओ अच्छी जो ना जाओ भैया को ढूंढो, डस्टबिन में नहीं लगना बिल्कुल भी। आप क्या कर रहे हैं मुझे ये तो बताए ना जरा, कुछ तो कर रहे हैं, मुंह में कुछ डाला दिखाएं, यहाँ है मेरे पास दिखाएं, मुंह खोले मुंह खोले, कुछ भी नहीं डाला, मुंह खोले आ करे, मैंने कुछ भी नहीं डाला, मट्टी खाए ना तो मारूंगी बहुत मैं। जी चले भाई बच्चों को बना के देते हैं, सबसे पहले ऑरेंज जूस, ये हमारे ऑरेंज आ गए इसमें से, अभी इनके मैं दो ऑरेंज के दो नाम को जूस बना देती हूँ जल्दी से, ताकि बस ये और मुझे तंग ना करे। यहाँ मेरे किचन में भी बर्तन पड़े हुए धोने वाले, इनको भी मैं फटाफट धोऊँ। तो गाइस यहाँ पे देखें मैं ना नाज़िम को खाना खिला रही हूँ, नाज़िम क्या करती है, नाज़िम ये लो ये लो, वो करो ये लो, हाँ करो खा लो। नहीं खाना इसको, ये लो थोड़ा सा ले लो थोड़ा सा, मम्मा। तो गाइस सुबह बच्चों को खाना वाना खिलाकर मैंने खाना खा के बच्चों को सुला दिया था, तो उसके बाद जो है ना अब बच्चे उठे थे थोड़ी देर पहले और मुझे भी जॉब से आ गए, आज जल्दी आ गए क्योंकि उन्होंने सुबह बोला था बच्चों को लेके जाएंगे बाहर कहीं घुमा फिरा के लाएंगे, काफ़ी टाइम हो गया बच्चे कहीं गए नहीं, और हमजा ना काफ़ी दिनों से ज़िद भी कर रहा था रो रहा था, तो मैंने बोला चले ठीक है। यहाँ मैंने हमजा को रेडी कर दिया, हमजा ये आपके हैंड में क्या है? ये फिर आपने बाबा के वॉलेट से पैसे निकाले? नहीं बाबा ने बाबा। अच्छा तो बस हमजा भी तैयार हो गया, यहाँ नाजो भी रेडी हो गई है, तो मैंने दोनों बच्चों को तैयार कर दिया, खुद भी तैयार हो गई हूँ, बस ये मुश्तबा के कपड़े यहाँ रखे हैं, अब वो वॉशरूम गए हैं, वो आते हैं रेडी होते हैं फिर हम लोग निकलते हैं, और जा कहाँ रहे हैं या आप लोगों को मैं बताऊंगी आगे। तो गाइस अभी बस हम लोग निकलने लगे, नाज़िम को भी मैंने टोपियाँ शोपियाँ पहना दी। नाज़ो हाय कितनी प्यारी है, सब माशाल्लाह लिखना कमेंट्स में, ठीक है। तो बस अब हम रेडी हो गए, बस निकलने लगे हैं हम सब, मैंने आपको दूसरी टोपी पहनाई थी ना बेटा, क्या करते हो है? यहाँ ये भी रेडी शेडी हो चुके हैं, बस अब निकलने लगे हैं। गाइस सब कमेंट्स में करना कि ये मेरे साथ वीडियोज़ बनाया करें, यहाँ देखिए सब कमेंट्स में लिखना गाइस ये मेरे साथ वीडियो बनाएं ताकि आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिले। यहाँ हमजा के टशन नहीं पूरे हो रहे, तो जी बस रेडी शेडी हो चुके हैं, बस निकलने लगे चले यार।
लड़कियों को ज्यादा टाइम लगता है, यहाँ मेरे हस्बैंड को टाइम लगता है। चलो भाई हमजा चले, पापा को बोले चले जल्दी करें, रेडी हो जल्दी करें। चले भाई चले जल्दी। मैंने एक हाथ से नाजमीन को पकड़ा हुआ, एक हाथ से व्लॉगिंग कर रही हूँ, हाथ मेरा मुड़ जा रहा है। चलो भाई चलो, सारी लाइट्स वगैरह बंद करके ना आ जाए, कमरे की भी लाइट खुली हुई उधर की भी बंद कर दें। चलें भाई मैं सबसे पहले निकल के खड़ी हो जाती हूँ, और मेरे हस्बैंड की जो है ना इंतजार करवाते रहते हैं मुझे, वो भी तक नहीं निकले हैं। चलें हमजा बस अब ये बंद करेंगे लाइट्स वगैरह और हम निकलेंगे। ना हमजा ने तंग किया हुआ हमें बहुत ज़्यादा, ना हम आए हैं यहाँ पर और यहाँ तंग कर रहा है हमजा। चले अंदर पासेस ले लिए ना, चले नाजो नाजो चले। चले हमजा जा रहा है, चले चले हमजा। ये तो है, पहले मेरी बात सुन, पहले ना सारा एक्सप्लोर करते जहाँ बच्चों की चीजें होंगी अच्छी, फिर वहीं से बच्चों को एंजॉय करा देंगे। ठीक है, वो भी एक झूला है, वो भी एक झूला है जी। हाँ देख रहा हूँ। हमजा यहाँ आप नहीं बैठ सकते बेटा, ये बहुत है वो है, ये बहुत डेंजरस है। हाँ ये बड़ों का होता है, इधर आ जाइए, मेरा हैंड पकड़े, हैंड नहीं छोड़ें। अच्छा यार गाड़ी में पहले तो देख के आते ना, और क्या आपके। तो गाइज़ यहाँ पे हमने हमजा को बहुत सारा इन्जॉय कराया था, उसकी वीडियोज़ में शॉर्ट्स पे डालूंगी, तो जब डालूंगी तो आप लोग वो भी ज़रूर देखिएगा। हमजा ने बहुत इन्जॉय किया था, लेकिन मैंने वीडियोस बहुत कम बनाई थी कि हमजा पहले इन्जॉय करें, हम बच्चों को इन्जॉय करें, तो वीडियोस तो बार बार बंदा ले ही लेता है। तो गाइज़ इसके बाद हम लोग पार्क गए थे एक छोटे से, क्योंकि हमजा ने फिर ज़िद कर दी थी कि मुझे पार्क जाना है। तो यहाँ हमजा पॉपकॉर्न के मज़े लेता हुआ पार्क में आ गए, वहाँ चंकी मंकी में इतने हमने इसको झूले दिलाए, सब कुछ किया, लेकिन कहते मुझे पार्क जाना है। तो वापसी में हमें ये पार्क मिला था, हम यहाँ पे आ गए। हमजा अच्छा लग रहा है पार्क आके, पार्क आके अच्छा लग रहा है, पार्क आके अच्छा लग रहा है आपको। यहाँ मेरी नाजो, इसके बाबा नाजो, इतने झूले वहाँ पे लिए तो हैं, और भी और लेने झूले। यहाँ छोटे क्या झूले लेंगे गाइस, यहाँ पे तो सब बड़े भी बच्चे बने हुए, देखिए कितना बड़ा आदमी बैठा हुआ है। आराम से हम तो गिर जाएंगे ना, बाबा का हैंड पकड़ लें। वाओ हमजा एक्सरसाइज कर रहा है पाँवों की, बस जंप जंप जंप। और हमजा के पापा फुल एंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी टाइम बाद दोनों एंजॉय कर रहे हैं। अब हम खाना खाने आए यहाँ पर KFC में,
तो गाइस यहाँ से हम लोगों ने खाना खाया, लेकिन मुझे केएफसी का इतना मज़े का नहीं लगता खाना, तो जो लेकर आए थे मुश्तबा भाई लेकर आए थे। तो गाइस अब हम घर आ चुके थे, मैंने कहा अब हम सो जाते हैं, लेकिन उससे पहले ब्लॉग की एंडिंग कर ले। अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और कमेंट ज़रूर करना आप लोग, मुझे बताना कि मुश्तबा को मेरे साथ वीडियोस में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। आप लोग कमेंट करेंगे तो दिखाया।